नमस्कार। कर्नाटक में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की खुशी में उनके समर्थकों द्वारा चलाए जा रहे पटाखों का शोर अभी थमा भी नहीं था कि अचानक से कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी का वो बम फोड़ दिया जिसमें सिद्धारमैया और डीके दोनों की सत्ता वाली कुर्सी हवा में उड़ती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। एक तरफ सीएम और डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान होने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं के समर्थकों द्वारा मिठाइयां बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़ों पर खुशियां मनाई जा रही थी, तो कहीं आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी दौरान कर्नाटक कांग्रेस के तीसरे गुट ने एक ऐसी चाल चल दी जिसमें नए नवेले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कांग्रेस आलाकमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कर्नाटक कांग्रेस के 50 विधायकों के साथ बगावत का बिगुल फूंकते हुए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लगाने का ऐलान कर दिया गया। वैसे तो कर्नाटक कांग्रेस का सीएम वाला नाटक कई दिनों से चल रहा है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस के धुरंधर खिलाड़ियों ने इस नाटक को रेड क्रॉस करते हुए एक नया नाटक शुरू कर दिया जिसमें सीएम डिप्टी सीएम सहित अन्य किरदारों के चेहरे बदल चुके हैं। और कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों का ये नाटक राजस्थान में चल रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के फिल्मी सीन की ओर मुड़ता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा क्यास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से कर्नाटक में नया नाटक शुरू होगा और डीके शिवकुमार सहित कर्नाटक कांग्रेस के तीसरे गुट वाले नेता सेकंड सचिन पायलट बनेंगे। जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की लंका लगा दी है, उसी तरह से कर्नाटक में डीके अब सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी का दी एंड करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने ढाई ढाई साल वाले फार्मूले के आधार पर जो वादे राजस्थान में सचिन पायलट से किए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से किए, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह से किए, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह से किए, वो सारे वादे कांग्रेस आलाकमान ने रद्दी की टोकरी में डालते हुए पहली पारी वाले मुख्यमंत्री को ही पूरे 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए आधारशिला तैयार की, जिसमें दूसरी पारी वाले यानी कि ढाई ढाई साल वाले फार्मूले के आधार पर दूसरी पारी में जिस नेता को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना था उसको जलील करने का काम कांग्रेस आलाकमान द्वारा किया गया, ताकि जनता जनार्दन में उस नेता की लोकप्रियता को खत्म कर दिया जाए और भविष्य में इन नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का इंटरफेयर ना किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार की पार्टी है और उस परिवार के आदेश को मानना ही पड़ेगा। ये संदेश दूसरी पारी वाले नेताओं को समझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने उन सभी नेताओं का करियर बर्बाद करने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसमें सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, टीएस सिंह सहित पंजाब के भी कई नेता शामिल हैं जिन्हें आलाकमान के इशारे पर जनता जनार्दन के बीच उनकी छवि धूमिल करने का एक कैंपेन चलाया गया और उसका नतीजा रहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से खात्मा हो गया। और ये सब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में एक अहंकारी परिवार को खुश करने के लिए किया गया है। कांग्रेस का ये ढाई ढाई साल वाले फार्मूले के वादों का पिटारा 2018 से ही खोल दिया गया था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों में कांग्रेसी नेताओं के हाई वोल्टेज ड्रामे पूरा देश देख रहा है। ऐसे में डीके शिवकुमार ने भी इन युवा नेताओं के साथ हुए धोखे को भली भांति नजदीक से देखा है, गौर से परखा है और समझा भी है। अब यही वादा कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिवकुमार के साथ किया है, यानी कि कर्नाटक कांग्रेस की बगावती नींव खुद कांग्रेस आलाकमान रख चुकी है। जो अब तक सचिन पायलट, सिंधिया जी, टीएस सिंह सहित अन्य नेताओं के साथ हुआ है, वही डीके शिवकुमार के साथ होना तय है। और वैसे भी नेताओं द्वारा किए गए वादों को धरातल पर लागू करने में कितनी सच्चाई है ये जनता जनार्दन बखूबी जानती है। लेकिन कर्नाटक के इस नाटक में कांग्रेस के तीसरे गुट के नेता जी परमेश्वर और एमबी पाटिल सहित अन्य नेताओं ने
कांग्रेस आलाकमान द्वारा सिद्धारमैया को सीएम बनाने और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने वाले फैसले पर नाराजगी जताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। जी परमेश्वर ने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ शब्दों में कहा कि मेरे पास भी 50 विधायकों का समर्थन है और कर्नाटक में लंबे समय से एक दलित समुदाय के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाकर दलित समुदाय को ठेस पहुंचाई है। यानी कि कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए दलितों का प्रयोग करती है, लेकिन जब महत्वपूर्ण पद बांटने की बारी आती है तो दलित समुदाय को दरकिनार करने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाता है। जी परमेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने सिर्फ एक डिप्टी सीएम बनाने वाले फैसले पर अंतिम मोहर लगाकर कांग्रेस के विधायकों में बगावत को जन्म दे दिया है। परमेश्वर आगे बोलते हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो जरूर बनाना था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने दलित समुदाय की नहीं सुनी। ऐसे में जी परमेश्वर खुद को डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक कांग्रेस के तीसरे गुट की इस मांग को ठोकर मार दी है। जैसे ही कर्नाटक कांग्रेस में नाराजगी का बम फूटा तो सिद्धारमैया ने अपनी गद्दी बचाने के लिए जी परमेश्वर और एमबी पाटिल को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश कांग्रेस आला कमान से कर दी, लेकिन इस पर अंतिम मोहर आज दिल्ली में लगेगी जब डीके शिवकुमार जी परमेश्वर और एमबी पाटिल को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर राजी होंगे। यदि डीके ने जी परमेश्वर और एमबी पाटिल को मंत्रिमंडल में शामिल होने पर एतराज जताया तो निश्चित है कि कर्नाटक कांग्रेस में इन वरिष्ठ नेताओं द्वारा बगावत का बिगुल फूंक दिया जाएगा और एक बार फिर से कर्नाटक कांग्रेस में सीएम वाला नाटक नए सिरे से शुरू होगा, जिसमें सीएम डिप्टी सीएम सहित अन्य किरदारों के चेहरे बदल भी सकते हैं। वैसे तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद डीके गुट के नेताओं ने साफ शब्दों में कहा था कि अब डीके का प्लान बी शुरू होगा, जिसमें सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए डीके द्वारा कई बड़े खेल कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में खेले जाएंगे और डिप्टी सीएम की गद्दी हासिल करते वक्त जो शर्तें कांग्रेस आलाकमान के सामने डीके शिवकुमार ने रखी थी वो इसी ओर साफ इशारा है कि आलाकमान के एक डिप्टी सीएम रखने वाले फैसले से कर्नाटक कांग्रेस का तीसरा गुट नाराजगी जाहिर करेगा, जिसको रोक पाना कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और इसकी एक झलक जी परमेश्वर एमबी पाटिल सहित कई कांग्रेसी नेता दिखा चुके हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि कांग्रेसी नेताओं का यह हाई वोल्टेज ड्रामा अब सड़कों पर देखने को मिलेगा। यदि जी परमेश्वर एमबी पाटिल जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राजी नहीं किया गया तो वो कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और यदि इन नेताओं को एन केन प्रकारेण खुश कर दिया गया तो आने वाले समय में डीके शिवकुमार के साथ जब धोखाधड़ी होगी तो कर्नाटक कांग्रेस का डीके गुट सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों में भी यही देखने को मिला है। मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए डीके शिवकुमार से कांग्रेस आलाकमान द्वारा किए गए वादे धरातल पर कितने स्टीक और सही साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की परंपरा के अनुसार कांग्रेसी नेताओं की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है, जिसको पूरा देश भली भांति जानता है। और इसी तर्ज पर कांग्रेस आलाकमान द्वारा डीके से किए गए वादे झूठे निकले तो कर्नाटक में डीके सेकंड सचिन पायलट बनकर अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकते हैं या सेकंड सिंधिया जी बनकर बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। लेकिन इन सभी दावों का वक्त उदाहरण बनेगा कि कर्नाटक कांग्रेस द्वारा सिद्धारमैया सरकार की रखी गई नींव की दीवार पूरी होगी भी या बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। हालांकि दूसरे कांग्रेस शासित प्रदेशों के हालातों को देखा जाए तो सत्ता की नींव रखने के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी उस दीवार की शुरुआत ही नहीं हुई है। ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा कर्नाटक कांग्रेस में देखने को मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब यह ड्रामा आज से ही शुरू होगा या फिर कुछ समय रुककर यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आज दिल्ली में सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार हो रही है और जैसे ही मंत्रियों के नामों का ऐलान होगा तो उसके बाद एक हाई प्रोफाइल ड्रामा भी
कर्नाटक कांग्रेस में देखने को मिलेगा, जिस पर हमारी नजरें टिकी हुई है और इस हाई वोल्टेज ड्रामे की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ ग्रहण कर पाएंगे, या फिर कर्नाटक कांग्रेस के तीसरे गुट द्वारा कोई बवाल शुरू किया जाएगा, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है वो कर्नाटक कांग्रेस में देखा जाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही शिव कुमार के भविष्य को लेकर के आपके क्या विचार हैं हमें वो भी जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।